सेक्टर 10 में कहाँ जाना है मैडम? अरे महेश तू? अरे सना तू? मोनू तूने पहचाना इसे? ये तो अपनी क्लास का टॉपर है ना? अरे हाँ, ये तो बड़ी डिंगे मारता था कि स्कूल से पास आउट होने के बाद डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और अपना बिजनेस करूंगा, और आज ये है इसका बिजनेस, रिक्शा चला रहा है। अच्छा एक बात बता, ये रिक्शा चलाकर तो अपने घर वालों का पेट पाल लेता है क्या, या उनको दिन में एक वक्त का खाना देता ही नहीं और उन्हें भूखा रखता है? गुजारा तो हो जाता है ऊपर वाले की दया से। अरे चल यार तू छोड़, चल। वैसे सना तुम क्या कर रही हो आजकल? अरे हम एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, जानता भी है एमएनसी क्या होती है? और तुझे पता है कि हमारी सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी? 60,000। और मेरी ना 80,000 है, वो भी एक महीने की। वैसे एक बात बता यार, तुझे तो पता ही होगा ना कि 80,000 में जीरो कितने आते हैं? इतना तो पता ही होगा, इतना तो पढ़ाई था स्कूल में। वैसे ये सब छोड़ एक बात बता, ये रिक्शा चलाकर तो एक महीने का 10-12 हजार तो कमा लेता होगा ना? हाँ यार कमा तो लेता ही हूँ 10-12 हजार रुपए। हेलो आईफोन? अरे किस्त पे लिया होगा, वो भी 2-4 साल की किस्त तो होगी कम से कम। हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। वैसे एक बात बता यार महेश, तूने ये आईफोन तो खरीद लिया लेकिन इसकी जो किस्त है वो तो टाइम पर तो भर देता है ना? अरे भर दिया कर, कहीं ऐसा ना हो किस्त के चक्कर में बैंक वाले तेरा रिक्शा भी उठा कर ले जाए। वैसे सना सेक्टर 10 में जाना कहाँ है? अरे हमें ना ओमैक्स सिटी जाना है, बहादुरगढ़ के सबसे महंगे अपार्टमेंट्स में से एक है वो। और तुझे पता है रिसेंटली हमने वहाँ पर अपार्टमेंट लिया है, वो भी रेंट पर। महीने का कितना रेंट है तुझे पता है? 25,000 रुपए। तू भी किसे बता रही है, इसको पता भी है 25,000 रुपए कितने महीने में कमाते हैं? छोड़ ना यार, एक महीने में तो ये बेचारा मुश्किल से 10-12 हजार कमाता ही है, इससे ज्यादा तो हम अपना रेंट पे कर रहे हैं। अरे क्या हो गया, यहाँ क्यों रोक दिया तूने? अच्छा सना मोनू तुम दोनों थोड़ा वेट करो, मुझे घर पे एक काम है वो मैं करके आता हूँ। अबे यार मोनू ये इस अपार्टमेंट में क्यों जा रहा है? तुझे पता है यहाँ के अपार्टमेंट्स कितने महंगे हैं? यहाँ पर एक अपार्टमेंट 3-4 करोड़ का होता है। अरे मुझे तो लगता है ना दिन में रिक्शा चलाता है और रात में यहाँ चौकीदारी करता होगा, इसीलिए गया है। सही कह रहा है। आ गया, चले? हाँ चल रहे हैं, लेकिन एक बात बता कि तू इस अपार्टमेंट में करने क्या गया था? यहाँ यहाँ मेरा घर है। क्या मजाक चल रहा है क्या, दिमाग ठीक है तेरा? हाँ हाँ मेरा घर है, क्या हो गया? तेरा घर और वो भी इस अपार्टमेंट में? अबे ओए यहाँ पर एक फ्लैट ना 3-4 करोड़ का है, और अगर यहाँ पर कोई रेंट पर भी रहेगा ना तो 60,000 रुपए का रेंट है यहाँ का एक महीने का। तू अपनी इस खटारा रिक्शे से एक महीने का इतना पैसा निकाल लेता होगा? अरे मैडम आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं रेंट पे नहीं रहता, यहाँ मेरा खुद का घर है। और तुम दोनों एमएनसी कंपनी में काम करके अपने आप को बहुत रईस ज़्यादा समझ रहे हो ना, तो तुम्हें मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे जॉब करके छोड़ चुका हूँ। और तुम दोनों को एक और बात बता दूं मैं कि मैं इस ऑटो रिक्शा से दिन के 3,000 रुपये कमाता हूँ, और ऐसे 10 ऑटो रिक्शा है मेरे पास, तो कितने हो गए एक दिन के? 30,000 रुपये, तो जोड़ लो महीने के कितने होते हैं? 9 लाख रुपए। तुम दोनों को पता भी है कि 9 लाख में जीरो कितने होते हैं? यार मोनू मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है क्या कि 9 लाख में कितने जीरो होते हैं? अरे रुक जा यार, इसकी बातें सुनकर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, मैं बताता हूँ अभी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई नहीं यार महेश जी, आप एक काम करिए, आप हमें हमारे फ्लैट पे छोड़ दीजिए रेंट वाले।
महेश कितने पैसे हो गए? अरे तुम दोनों मेरे क्लासमेट हो, तुमसे पैसा लूंगा मैं, जाओ। वैसे अच्छा लगा तुम दोनों से मिलके। बाय बाय।